बेहतरीन अल्लाह के जिक्र का तरीका वो दो रकअत नमाज, और फिर नमाज में फर्ज नमाज हो उससे अफजल और अहम कोई दूसरी चीज है। तो फरमाया कबला तुलू शम्स, तुलू शम्स से पहले अल्लाह के हम्द सुना कीजिए, वगरू भी हाँ वो कबला गुरू भी हाँ, ये कुरान करीम की आयत है। और गुरू भी आफ्ताब से पहले अल्लाह के हम्द सुना कीजिए, और उसमें असर की नमाज, और वैसे अफकार और इबादात के लिए भी रात और दिन में किसी वक्त भी करें, तो फजीलत ही फजीलत है। लेकिन सुबह शाम में अजकार की खास तरबीब है, क्योंकि रात के और दिन के आमाल अल्लाह के यहाँ इन दो औकात में पेश किए जाते हैं। तो इन दो औकात में खास तौर पर ताकीद और तरबीब है, ये दो औकात इंसान फर्ज के अलावा भी ज्यादा इबादात के अंदर, अज़कार के अंदर, तस्बीहात के अंदर और ऐसे कामों के अंदर इंसान सार्फ करे। तो इस हदीस शरीफ में अल्लाह की रुकियत, अल्लाह का दीदार क़यामत के दिन, क़यामत की बड़ी नियमतों में से ये एक नियमत होगी। कुरान करीम की आयत है, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा, कितने ही चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, हशाश बशाश होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब के दीदार की वजह से। लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना वज़ियादा, ये भी कुरान करीम की आयत है कि जो भी नेक अमल करेगा उसको वहां बेहतर बदला मिलेगा।